एमएसपी गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन की सरगर्मी बढ़ गई है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, जिसे देखते हुए दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पंजाब हरियाणा और यूपी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि किसान और केंद्र के बीच दूसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में होनी है। अगर बात बन गई तो किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे, और मांगों पर भी बात नहीं बनी तो किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच तय है। ऐसे में पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं शंभू बॉर्डर पर हूं, जो कि अंबाला जिले में आता है और ये हरियाणा को जोड़ता है पंजाब के साथ। जीटी रोड है, ये नेशनल हाईवे है जो सीधा पंजाब को जोड़ता है दिल्ली से। और इस पर आप देखिए, घग्गर नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके दोनों तरफ सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। दोनों तरफ बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर डिप्लॉय कर दी गई है, और इस बार साधारण बैरिकेडिंग नहीं है जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं। आप वहीं हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां मैं आपको सिंघू बॉर्डर से दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये बैरिकेड्स हैं, जिस बैरिकेड्स के जरिए रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। ये लोहे के भी बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो है ये हैवी कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, जिन्हें लगा करके इस पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, उस बॉर्डर को रोक दिया जाएगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर भी पहरा चौकस कर दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग से लेकर कंटेनर तक का इंतजाम है, तो वहीं निगरानी के लिए बॉर्डर्स को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। जो कंटेनर वाले बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। यदि किसान जबरन में घुसने की कोशिश करते हैं दिल्ली बॉर्डर में, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और ये देखिए, अभी दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर जो है इस कंटेनर को लाया गया है, और ये देखिए दिल्ली पुलिस की गश्त जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच केंद्र और किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग पर निर्भर करता है, लेकिन एहतियातन तौर पर दिल्ली बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है।